नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर नाइन। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर छपरा बिहार से, जहां नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है और सभी भक्त इस महानवरात्र के पावन पर्व पे माता की आराधना करते नजर आ रहे हैं। सिलौड़ी मंदिर हो या अमनौर वैष्णो मंदिर, भिंडी का दुर्गा मंदिर हो या लोगों का आवास, सभी भक्तगण माँ की आराधना में जुट गए हैं। लगभग अधिकांश लोग फल फलाहार रहकर माँ की पूजा अर्चना 9 दिन तक करते हैं, लेकिन एक भक्त ऐसा भी है जो 9 दिन तक केवल जल का सेवन कर माँ के भक्ति व आराधना में लगे रहते हैं। आपको बता दें, यह भक्त सारण जिला के अमनौर विधानसभा अंतर्गत झकरी पंचायत लखना गांव का रहने वाला है, जो 9 दिन तक सिर्फ जल का ग्रहण करते हुए अपने आवास पर जन कल्याण हेतु दुर्गा शक्ति रूपी माँ की आराधना व माँ दुर्गा का पाठ करते हैं। उनका कहना है कि जब उनकी माँ मृत्यु के अंतिम समय में थी तो उन्होंने इस पाठ को करने के लिए कहा। उसके कुछ समय बाद माता गुजर गई, तब से मैं लगातार दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 दिन तक जल पर रहकर पूजा अर्चना करता हूँ। उनके इस पूजन को लेकर जब हमारे छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह कुछ सवाल किए तो क्या कुछ कहे, देखिए यह रिपोर्ट। देवत दीन के दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासा ग्रे मोती, मैया नासा ग्रे मोती, कोटिक चंद दिवाकर राजत सम ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। नवरात्र 17 तारीख से आरंभ होते हुए 25 तारीख को विजयादशमी हो जाएगी। इस पर्व को आप किस रूप में मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? इस पर्व को हम सर्वप्रथम शुरू से बताया जाए, शुरू से जिस दिन से पूजा शुरुआत होता है उस दिन से सिर्फ जल पीते हैं। जल के अलावा मेरे हमको हम खुद कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। 9 दिन तक आप इसी तरह रहते हैं? 9 दिन तक सिर्फ जल पे ही रहेंगे। कैसे आपकी पूजा की शुरुआत नित्य दिन कैसे होती है? प्रत्येक दिन फर्स्ट दिन कलश स्थापना किया जाता है, इसके बाद 9 दिन दुर्गा जी का पाठ होता है। यह कब होता है, सुबह के समय, दोपहर के समय या किस टाइम होता है? सुबह में और शाम में दुर्गा का पाठ होता है। कितने समय के लिए होता है? लमसम 2-2.5 घंटा दुर्गा जी का पाठ करने में लगता है। आपके मन में यह जिज्ञासा कैसे आई कि माता का ही हम नवरात्र करें? माता का नवरात्र करने के लिए काफी दिन पहले मेरी माँ बोली हुई थी। अच्छा। और माँ बोली और डेट कर गई। अच्छा। माँ के बातों का पालन कर। पर्व है, नवरात्र का पर्व है, इसमें आप जन कल्याण हेतु माँ से क्या मांग रहे हैं? जन कल्याण के लिए, पूरे समाज के लिए, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक महामारी भारतवर्ष में बहुत से लोग इससे पीड़ित हो गए, इसको लेकर माता से आपने क्या मांगा? माता से हम यह मांगे हैं कि सब लोग खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें। हम लोग बहुत अभी कठिनाई कोरोना के लेकर के पूरा समाज रहा है, ये जल्द से जल्द दूर हो और हम लोग खुशहाल जिंदगी जिए, जिसमें सब लोग, पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष खुशहाल जिंदगी जिए, यही माता से हमारा विनती रहा। आपने बताया कि आप 9 दिन तक सिर्फ जल पे रहते हैं, कष्ट नहीं होता होगा? हमको तो ऐसा कुछ कष्ट नहीं लगता है। अच्छा। ये माता का दिन है कि हमको भूख कोकरा कुछ भी नहीं लगता है 9 दिन तक, नहीं कुछ खाने का मन करेगा, कुछ नहीं होता। क्या है, क्या खाकर जिंदा रहते हैं 9 दिन? सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। अन्य फल वगैरह किसी तरह का आप सेवन नहीं करते? कुछ नहीं, केवल वही जो माँ का पंचामृत होता है, वो सुबह के पहर थोड़ा सा पंचामृत केवल ग्रहण करते हैं, पंचामृत के अलावा जल और इसके अलावा कुछ नहीं। कितने सालों से यह आप कर रहे हैं? 4 साल हो गया, ये चौथा साल है ना? चौथा साल है। कहाँ आपका घर है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है, पिताजी का नाम राजबलम सिंह, घर लखना, पोस्ट धरहरा कला, थाना अमनौर, जिला सारण, बिहार। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।